भी चलते टाइम पर आपकी कमर की प्लेट्स सेट होने के बावजूद भी अगर फर्स्ट प्लेट बार बार पीछे की तरफ भागती है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्लैम सीक्रेट्स और मैं हूँ आरती शर्मा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि आप कमर की प्लेट्स को कैसे सेट कर सकते हैं और साथ में फर्स्ट प्लेट जो होती है जो पीछे की तरफ बार बार भागती है चलने के टाइम पर, तो उसको आप कैसे अरेंज कर सकते हैं कि आपकी प्लीट्स बार बार पीछे की तरफ ना भागे। तो इसके लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना शुरू नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। एंड इस टाइम पे मैंने जो लिपस्टिक अप्लाई की हुई है ये है ब्लू हेवन की लिपस्टिक और इसकी इमेज यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। ये मुझे जस्ट 89 रुपीज़ की पड़ी थी। लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है और कम बजट लिपस्टिक है, काफ़ी अच्छी लगी मुझे। एंड मैंने जो काजल अप्लाई किया हुआ है ये है NY का काजल और इसके साथ मुझे एक काजल और फ्री मिला था जो कि व्हाइट कलर का है। दोनों के दोनों मुझे 168 रुपीज़ में अवेलेबल हो गए थे एंड इनके बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आपको वहां से मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले आप वो साड़ी ले लें जो आप पहनने वाले हैं और उसका मैचिंग का पेटीकोट पहन लें एंड सैंडल भी पहन ही लें। क्योंकि मैं घर में बना रही हूँ तो मैंने सैंडल नहीं पहना है और मैं फर्स्ट पार्ट जो है वो साइड से टक नहीं कर रही हूँ, मिड से टक कर रही हूँ। एंड इसके बाद एक सर्कल लेने के बाद चारों तरफ से इक्वली टक कर रही हूँ पेटीकोट में। फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखना कि आप जब भी इस तरीके से साड़ी पहनेंगे तो आपको मिड में टक करना है फर्स्ट पार्ट साड़ी का एंड देन उसके बाद चारों तरफ से टक करना है। अब हम पल्ला लेंगे एंड पल्ले को इस तरीके से उल्टा करने के बाद हम प्लीट्स बनाना शुरू करेंगे। पल्ले का हमेशा जो प्लीट होता है वो जिगजैग फॉर्म में होता है और फिर उसके बाद शेक करने के बाद आपको एक हाथ लंबा करना है एंड सेकंड जो दूसरा वाला हाथ है वो आपको पेटीकोट के पास से सारी प्लीट्स को अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद आपको, अगर आपको बहुत पतली पतली प्लीट्स पसंद है जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसीलिए इस तरीके से अपनी प्लीट्स बनाना हमेशा प्रेफर करती हूँ। और अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, आप एक बार चेक कर लें। अब एक बार इनको पिनअप कर लें और क्योंकि ये बेंगलोरी सिल्क साड़ी है तो इसे इसकी प्लीट्स को अरेंज करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं इसे अपने राइट शोल्डर पर रख दूंगी पल्ले को और फिर उसके बाद वन बाय वन सारी प्लीट्स को अरेंज करना शुरू कर दूंगी और अरेंज करने के बाद उन्हें प्रेस करेंगे और फिर उसके बाद इस तरीके से एक और बार नीचे वाली प्लीट्स को अरेंज करेंगे और अरेंज करने के बाद प्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है और अरेंज करने के बाद अपनी लेफ्ट शोल्डर पर रख दूंगी और फ्रंट की प्लीट्स को प्रेस करूँगी हाथों की हेल्प से और प्रेस करने के बाद अरेंज करने के बाद फिर उसके बाद पीछे की तरफ से इस तरीके से साड़ी के फैब्रिक को लेके आऊँगी और कमर के पास थोड़ा सा टक कर दूँगी। अब हम प्लीट्स बनाना शुरू करेंगे और सबसे मेन पार्ट यही है कि जब प्लीट्स बनाते हैं तो फर्स्ट जो प्लीट होता है वो ख़राब हो जाती है, तो पीछे की तरफ से लास्ट वाला जो कपड़ा थोड़ा सा छोड़ देंगे एंड फिर सारी प्लीट्स को अरेंज करने के बाद पेटीकोट में टक कर देंगे और अब हमारा मेन काम शुरू होता है। पहले सारी प्लीट्स को प्रेस कर लेंगे हाथों की हेल्प से और ये देखिए ये जो फर्स्ट पल्ला है इसे अरेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। आपको क्या करना है, फर्स्ट प्लीट को इस तरीके से पीछे की तरफ पूरा खींच लेना है और उससे पहले अपनी बाकी की प्लीट्स में पिनअप कर लें और फिर उसके बाद फर्स्ट प्लीट को खींचे पीछे की तरफ और इस तरीके से खींचते हुए अंदर की तरफ से लेके आए। अब अपनी जो प्लीट्स है उसमें पिनअप कर दे, बाकी की प्लीट्स में पिनअप करने के बाद सारे के सारा जो आपने फैब्रिक खींचा है उसे इस तरीके से, अगर एक्स्ट्रा हो रहा है तो ट्विस्ट करके पेटीकोट में टक कर दे। अपनी जो आपने कमर की प्लीट्स बनाई हुई थी उसको ज़रूर निकाल लें और अंदर की तरफ से ऐसे सेट कर लें और फिर उसके बाद अपनी कमर की प्लीट्स उठाएँ और फिर इस तरीके से अरेंज कर दें। अरेंज करने के बाद आप अगेन उसे पेटीकोट में टक इन कर लें और आपकी देखिए जो फर्स्ट प्लीट है वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। तो अगर आप कॉटन सिल्क साड़ी पहन रहे हो या कॉटन साड़ी पहन रहे हो या फिर आजकल चंदेरी सिल्क साड़ी आ गई है तो आप इस तरीके से अरेंज करें। अब इस तरीके से साइड से आप हाथ अंदर की तरफ डालें और ये जो एक्स्ट्रा वाला जो कपड़ा था उसे खींचना है और फिर ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने के बाद छोटी छोटी प्लीट्स बना लेना है ये कमर के पास, जैसे मैं बना के आप लोगों को दिखा रही हूँ।
और फिर उसके बाद ट्विस्ट करते हुए टाइट हाथ से जितना आप अपनी साड़ी को अंदर से खींच सकते हैं आप खींचें, और फिर उसे पेटीकोट में टक इन कर लें। आप चाहें तो यहाँ पे पिन लगा सकते हैं और या फिर आपकी मर्ज़ी। तो मैंने साड़ी पहन ली है और मैं अब आपको पूरा लुक दिखाती हूँ अपना। साड़ी काफ़ी अच्छी फिटिंग के साथ मैंने ड्रेप कर ली है और एक पिन, सिर्फ और सिर्फ एक पिन के साथ मैंने ड्रेप करी है। तो देखिए मेरा पूरा लुक विद बैंगल्स, वॉच एंड हेयर स्टाइल। सो कैसा लगा मेरा ये लुक मुझे ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं।